फ्रेंड्स हम आ जाते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे टाइप करता हूँ एम परिवहन, MPARIVAHAN, एम परिवहन। फ्रेंड्स ये मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और मैंने यह ओपन किया, इसको ओपन करने के बाद फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हम RC और DL का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसमें से अपनी वर्चुअल RC कैसे करके लोड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं हम अपनी वर्चुअल RC कैसे करके डाउनलोड करें हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले मैं किसी एक गाड़ी का नंबर यहाँ डाल देता हूँ, UP26AD। फ्रेंड्स ये नंबर डाल दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे इसे सर्च किया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया मेरा। ये मैंने यहाँ तक का आपको पूरा दिखाया था कि मतलब कैसे करके हमने यहाँ पे सर्च करना है। ये चीज़ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, वीडियो लंबी ना हो इस लिहाज से मैंने जो है सिर्फ ये चीज़ आपको बताई थी। अभी क्या है, ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल RC, मतलब हम यहाँ से वर्चुअल RC भी लोड कर सकते हैं, अपनी निकाल सकते हैं, अपने फ़ोन में रख सकते हैं उसको स्टोर करके। फ्रेंड्स यहाँ आ जाइए, ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल RC। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी आगे का वीडियो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए इसे क्लिक करते ही यह कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, वेरीफाई योर RC, एंटर द डिटेल एंड क्लिक वेरीफाई। फ्रेंड्स यहाँ पे चेचिस नंबर मांग रहा है, एंटर ब्रैकेट में देखिए, एंटर लास्ट 4 डिजिट, यानी यहाँ पे ये मेरा चेचिस नंबर ऑलरेडी लिखा है, लेकिन इसके आगे का जो 4 डिजिट है वो मैंने यहाँ पे एंटर करने हैं। तो मैं वापस अपनी RC के तरह एक बार देख लेता हूँ, मेरी RC मेरे फ़ोन में ही पड़ी है, इसमें आ जाता हूँ। RC मेरी RC फ्रेंड्स ये पड़ी है, देखिए ये है RC, चेचिस नंबर का डालना है यहाँ पे। तो चेचिस नंबर मेरा इस साइड में है, तो चेचिस नंबर देखिए फ्रेंड्स ये लिखा है, चेचिस नंबर MBLJFW053JGM0493। तो लास्ट के 4 डिजिट यानी कि ये 4193 मैंने यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, 4193। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ आप इंजन नंबर मांग रहा है, इसके भी लास्ट के 4 डिजिट। फिर मैं वापस जाता हूँ अपनी RC पे, और यहाँ पे RC के मैंने इंजन नंबर देखा फ्रेंड, देखिए ये JF717EJJGM06939। ये देखिए फ्रेंड्स ये 06939, तो मैंने यहाँ पे 6939 टाइप कर देना है, 6939। देखिए फ्रेंड्स ये आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक कैंसिल है, एक वेरीफाई है, तो हम यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं कि ये ठीक है, ठीक ठीक हमने जो है डिजिट इस पर प्रेस किए हैं, ये वेरीफाई कर देता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स वेरीफाई करते ही ऐसा एक मैसेज आएगा आपके सामने, गो टू डैशबोर्ड टू चेक योर RC डिटेल्स। अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ये फ्रेंड डैशबोर्ड पे आ गए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर माई RC, शेयर RC, किसी को शेयर भी कर सकते हैं, ये RC डैशबोर्ड दिख गया सामने। रिसीव्ड RC, यहाँ पे RC भी आप रिसीव अपनी कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए शेयर का बटन भी बन के आ रहा है कि, और डिलीट का भी आ रहा है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके देख लेता हूँ इस पर, ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये वर्चुअल RC अपडेट, वर्चुअल RC, ये RC हमारी अपडेट हो गई है। और फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में और एम परिवहन का इस पर लोगो लगा हुआ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेटस एज ऑन 7 अगस्त 2020 11:36 AM, ये अभी का करंट टाइम डेट सब लिख करके आ गई आज की। ये फिर देखिए फ्रेंड्स नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके थोड़ा सा, ऑनर डिटेल शाहरुख खान, ये नाम आ गया ऑनर का, ये सन ऑफ, इस पर फादर्स नेम भी आ गया, चेचिस नंबर पूरा आप देख सकते हैं, इंजन नंबर पूरा देख सकते हैं, मेक नेम एंड मॉडल नेम, किस कंपनी ने इसको बनाया है, हीरो मोटर कॉप की गाड़ी है ये, और डेस्टिनी 125VX ये इसका मॉडल नेम है। इशू डेट 14 जून 2019, फ्रेंड्स ये 14 जून को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वैलिड है 2034 तक। व्हीकल क्लास मोटरसाइकिल या स्कूटर जो भी है, व्हीकल डिस्क्रिप्शन ये टोटल चीज़, फ्यूल टाइप, कलर गाड़ी का, सीट कैपेसिटी, स्टैंडिंग कैपेसिटी, फाइनेंसर, फाइनेंस है गाड़ी ये कहाँ से, हीरो फिनकॉर्प से फाइनेंस है, इंश्योरेंस कंपनी इसकी कौन सी है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है अपना
ये भी मालूम कर सकते हैं किस कंपनी से इस गाड़ी किस गाड़ी का इंश्योरेंस है, वो भी मालूम पड़ जाएगा आपको। इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इंश्योरेंस वैलिड अप टू कब तक का इंश्योरेंस है, ये तो 6 जून 2024 तक का है। फिटनेस इसकी कब तक की है, टैक्स वैलिड कब तक है, ये टोटल चीज़ें फ्रेंड्स आपको देखिए। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पीलीभीत उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स ये वर्चुअल आरसी हमारी यहाँ पे अपडेट हो गई। अभी आप जिसको है नीचे देखिए डाउनलोड का कॉर्नर पे नीचे आइए, आपको बटन दिख रहा है यहाँ पे एरो का निशान करके, यहाँ पे आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्यूआर कोड सक्सेसफुली सेव्ड इन इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पे व्यू करके देख सकते हो आप। ये फ्रेंड्स ये क्यूआर कोड आपके सामने आ गया, यानी आपका पूरा आरसी है ये क्यूआर कोड। आपको अगर कोई भी कहीं पुलिस वाला वगैरह कोई रोकता है, आरसी आपकी जेब में नहीं है और ये क्यूआर कोड आपके फ़ोन में है, तो आप उसे ये दिखा सकते हैं, उसे स्कैन करके आपका पूरा अपडेट उसको मिल जाएगा आरसी का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई आरसी की बात। चलिए मैं आपको बैक ले जाकर अब डीएल का अपडेट बताता हूँ आपको, डीएल का वर्चुअल डीएल कैसे निकाल। यहाँ पे अब आ गए डीएल डैशबोर्ड पे, आरसी का डिटेल आपको पूरी तरह समझ में आ गया कि कैसे करना है। यहाँ पे मैंने एक डीएल नंबर टाइप किया UK03201500023239। फ्रेंड्स यहाँ डीएल नंबर डाला, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देखिए फ्रेंड्स ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, यहाँ तक का आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मैं मानता हूँ। अब देखिए मैं आपको सिर्फ जो बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल डीएल का वर्चुअल आरसी वर्चुअल डीएल के बारे में ही आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया इस पर आकर के। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जिस तरह से हमसे आरसी का उसने वेरिफिकेशन के लिए मांगा, इसी तरह से हमसे कुछ डिटेल जो है डीएल के वेरिफिकेशन के लिए ये मांग रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखा है एंटर द डिटेल्स एंड क्लिक वेरीफाई, तो यानी कि नीचे डिटेल मांग रहा है उसको भरिए फिल कीजिए और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो डिटेल क्या मांग रहा है फ्रेंड्स, डिटेल ये है प्लीज़ एंटर डेट ऑफ बर्थ, यानी डीएल में जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी है हमने वो फिल करनी है। तो हम यहाँ पे गए तो हमें मालूम होना चाहिए हमारे पास डीएल है तो डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी 2004190। फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल कर दी है, अब मैं यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आरसी के हमने वर्चुअल कॉपी निकालने के लिए डिटेल भरी थी, एक मैसेज आया था हमारे पास, इसी तरह से डीएल के लिए आ गया, गो टू डैशबोर्ड टू चेक योर डीएल डिटेल। यहाँ ओके किया मैंने, ओके करने के बाद देखिए फ्रेंड डीएल डैशबोर्ड पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे आने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स आपको डीएल का नंबर लिखा आ रहा है यहाँ पे, डीएल ओनर का नेम और प्लस उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस विद होम नंबर के साथ, हाउस नंबर उसका घर के नंबर के साथ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इशू डेट भी आ रही है और कब तक वैलिड है वो भी आ रहा है। अब क्योंकि हमें इसका वर्चुअल कॉपी देखनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट वर्चुअल डीएल ऊपर लिख के आ गया मोटा मोटा ये, अब जस्ट उसके नीचे आप आके देखिएगा यहाँ पे UK03 करके उसका डीएल नंबर हो गया। ये सामने आप देख रहे हैं ब्रैकेट में एक ये क्यूआर कोड इसका डीएल का जनरेट हो चुका है। लास्ट अपडेट यहाँ पे आपको आज का लास्ट अपडेट दिख गया कि किस टाइम इसे हमने अपडेट किया। नीचे आइए फ्रेंड, ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर नेम आ गया विद फोटो के साथ, बबलू है इनका एक्टिव है, इनके फादर का नाम आ गया, इशू डेट कब इशू हुआ, लाइसेंस वैलिड नॉन ट्रांसपोर्ट कब तक वैलिड है, लाइसेंस वैलिड ट्रांसपोर्ट कब तक वैलिड है, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप। फ्रेंड्स यहाँ पे हम डीएल ओनर का ब्लड ग्रुप का भी पता कर सकते हैं इस वर्चुअल कॉपी। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिलेगी ब्लड ग्रुप के साथ में। देखिए नीचे आ गया व्हीकल क्लास, इस डीएल से हम कौन कौन सी क्लास की गाड़ी कौन कौन सी कैटेगरी की गाड़ी हम चला सकते हैं उसके सब नीचे नाम लिख करके आ गए। रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी कोड टनकपुर चंपावत RTO जो है वहाँ से ये बना है। फ्रेंड्स सेम वही प्रोसीजर इसका, नीचे हम देखेंगे यहाँ पे डीएल का हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में देखिए क्यूआर कोड सक्सेसफुली सेव्ड इन इंटरनल स्टोरेज, हमारा इसका क्यूआर कोड हमारे स्टोरेज में सेव हो चुका है फ्रेंड्स, तो इसको हम देखने के लिए वापस जा सकते हैं और चाहें तो हम यहाँ से व्यू भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर कहीं पे हमसे कोई डीएल पूछ रहा है, हमारे पास डीएल की हार्ड कॉपी नहीं है हमारे पास, तो फ्रेंड्स अगर हमारे फ़ोन में हमारा क्यूआर कोड डीएल का है उसको उस पुलिस वालों को बता सकते हैं कि ये हमारा डीएल का क्यूआर कोड है, प्लीज़ आप इसे स्कैन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ये डीएल डिटेल सारा, इसमें खुद भी इसे स्कैन करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ।